नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ताज नगरी में कोविड की चौथी लहर की दस्तक, कल 5 और आज 3 मरीज हुए सक्रिय। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, बाहरी पर्यटक और लोगों पर रखी जा रही है नजर। बस अड्डे और स्टेशनों पर कराई जा रही जांच, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग शासन के दिशा निर्देश अनुसार कर रहा कार्य। किशोर और शेष बचे लोगों का कराया जा रहा है वैक्सीनेशन। SDM सिटी अंजनी कुमार सिंह ने शासन के दिशा निर्देशों से कराया अवगत। CMO डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कोविड से बचाव के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। महामारी से बचाव के लिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बेवजह भीड़ भाड़ में जाने से बचें। कोविड से बचाव के लिए कराएं वैक्सीनेशन और लक्षण होने पर कराएं जांच। कोविड की चौथी लहर में संभावना बनी हुई है, कितने मरीज अपने आए हैं और क्या बचाव है, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से कार्य कर रहा है? विगत 2 दिनों से देखा गया कि जनपद आगरा में कोविड की केसों के में संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जहाँ 2 दिन पूर्व कोई केस नहीं थे, कल 5 केस आए हैं, जिनमें 3 विदेशी पर्यटक थे और 1 गुड़गांव से स्टूडेंट की आई होगी और 1 यहाँ स्थानीय निवासी थी। आज जो गुड़गांव से आई थी उनके जो परिजन हैं उनमें 2 लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं। संक्रमण की गति तीव्र है और बाकी जिस तरह आप देख रहे हैं कि NCR में केसों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हो रही है और ये संकेत है कि हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। इस स्तर पर राज्य स्तर से भी हम लोग को निर्देश मिले हैं कि मास्क का प्रॉपर प्रयोग कराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। जहाँ तक कि 5 जनपद हैं वहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया, उसके अतिरिक्त हम लोग से जो बाकी जनपद हैं उनसे अलर्ट मोड में रहने के लिए एवं सभी नागरिकों से, जहाँ तक सवाल है कि ये अभी इनिशियल हमें NCR से आ रहा है जहाँ के पर्यटक ज़्यादातर अपने वाहन से आते हैं, ट्रेनों पे और ट्रेन रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे हम लोग की सघन सैंपलिंग की जा रही है और किसी भी तरह की कोई भी वहाँ पे हम लोग छूट देने या किसी भी तरह की स्थिरता नहीं बरती जाएगी, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन जो पर्यटक सड़क मार्ग से आ रहे हैं उनके लिए यही अनुरोध है कि जो भी हमारे चाहे होटल व्यवसायी हों चाहे स्थानीय लोग हों जहाँ पे उनके परिजन रुक रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार की सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं, मैं रिपीट करता हूँ, कोविड को लेकर चौथी लहर को लेकर किस तरह से सावधानी बरती जाएगी, क्या दिशा निर्देश दिए गए? शासन ने एक नवीन दिशा निर्देश जारी किया है जिसके अंतर्गत जो NCR का क्षेत्र है वहाँ मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। बाकी पूरे प्रदेश में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मजबूत करते हुए कोविड से बचाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए गए हैं तथा साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है, जो बच्चों का वैक्सीनेशन है, जो बड़े लोग अभी बच गए हैं कतिपय कारणों से उनके वैक्सीनेशन के लिए निर्देश दिए गए हैं।